बस हमने स्लीव की कटिंग कर ली थी, अब हम प्लेकेट के लिए यहाँ सेंटर में कट लगाएंगे। तो उसके लिए हमारी कलाई की जितनी फिटिंग होगी हम उसके सेंटर में यहाँ पे कट लगाएंगे। व्यूअर्स, हमारी कलाई की फिटिंग है 5 इंच, तो 5 इंच पे हमने कपड़े को इस तरह से इस्त्री से फोल्ड किया है। तो अब हम इस सेंटर को इस फोल्ड किए हुए किनारे से इस तरह से मैच करेंगे और यहाँ पे इस्त्री से इसको प्रेस करेंगे। तो हमारी ब्लैकेट की लेंथ है 6 इंच, तो हम यहाँ 5 इंच तक कट लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे 5 इंच तक कट लगाएंगे। एक साइड को हम इस तरह से पकड़ेंगे। और 5 इंच तक जहाँ पे निशान लगाएंगे। व्यूअर्स, ये हमारा राइट साइड वाला स्लीव था, तो इसको हमने इस साइड पे, यानी कि इस साइड पे हमने कट लगाया है। इसी तरह से ये हमारा लेफ्ट साइड वाला स्लीव है, तो इसको हम इस साइड पे कट लगाएंगे। तो पहले की तरह हम इस फोल्ड किए हुए किनारे से इस सेंटर को मिलाएंगे और यहाँ पे हम इसको सेंटर में प्रेस करेंगे। और प्रेस करने के बाद यहाँ भी हम 5 इंच तक कट लगाएंगे। और अब एक तरह को पकड़ते हुए हम इसको कट लगाएंगे। व्यूअर्स, हमसे हमारे बहुत ही मोहतरम व्यूअर ने सऊदी अरब से हमसे पूछा कि हमारी ऊपर की स्लीव की लेंथ और इनर स्लीव की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, यहाँ से हमारी स्लीव की लेंथ अगर 21 इंच है तो यहाँ से 3 इंच कम हो के 18 इंच होनी चाहिए। यानी कि जितनी आपकी ऊपर की लेंथ होगी उससे आप 3 इंच इनर की लेंथ कम रखें, क्योंकि यहाँ से जब हम शेप बनाते हैं तो यहाँ से हम 3 इंच कपड़े को कट कर देते हैं। तो व्यूज, ये हमारे पास इस तरह से ये पीस था। तो जब हमने यहाँ पे स्लीव की शेप बनाई तो यहाँ से हमने 3 इंच कपड़े को कट कर दिया। तो व्यूज, अगर आपको यहाँ पे स्लीव के ऊपर चुनट देनी है तो फिर आपको यहाँ पे स्लीव की चौड़ाई को एक्स्ट्रा तौर पर बढ़ाना होगा। तो फिर जितने से आप जितने इंच यहाँ पे चौड़ाई को बढ़ाएंगे उतने इंच पे आप यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई को बढ़ाया है तो यहाँ भी आप 3 इंच पे फिर कट लगाएंगे। और यहाँ निशान लगाने के बाद आप कट लगाएंगे और यहाँ सेंटर में भी कट लगाएंगे। फिर एक कट से दूसरे कट तक आप सेंटर से कमीज़ का तीरे का सेंटर मिलाते हुए यहाँ से एक कट से दूसरे कट तक आप चुनट दें ताकि आपकी चुनट एक जैसी आए। तो जब हम स्लीव के लिए प्लेकेट को रेडी करेंगे तो उसके लिए हम ये 6 इंच फ्यूजिंग की लंबी पट्टी को कपड़े पर रख के इस तरह से चिपकाएंगे। व्यूज, जब हम स्लीव के लिए प्लेकेट को रेडी करेंगे तो उसके लिए हम 6 इंच लंबी फ्यूजिंग की पट्टी को कपड़े पर रख के इस्त्री से चिपकाएंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ पे कॉर्नर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फ्यूजिंग की डबल लेयर के इस पीस को हम इस तरह से यहाँ पे रख के तो यहाँ पे इस्त्री से चिपकाएंगे। अब हम कपड़े को इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ भी हम प्रेस करेंगे और फिर हम कपड़े को इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ से 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से हम कपड़े को कट करेंगे। व्यूअर्स, ये हमने एक ब्लैकेट को रेडी कर लिया है, इसी तरह से हम दूसरी ब्लैकेट को भी रेडी करेंगे। व्यूअर्स, अब हम स्लीव्स पे ब्लैकेट अटैच करेंगे। तो हमारा राइट साइड वाला स्लीव जिस पे हमने इस साइड पे कट लगाया था इसकी ब्लैकेट को हमने इस तरह से रेडी किया है और एक्स्ट्रा कपड़े का मार्जिन हमने इस साइड पे रखा है। इसी तरह से हमारा लेफ़्ट साइड वाला स्लीव जिस पे हमने इस साइड पे कट लगाया था इसकी ब्लैकेट को हमने इस तरह से रेडी किया है और इसका कपड़े का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने इस साइड पर रखा है।
तो अब हम इसको स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम इस इनर स्लीव वाली साइड से यहाँ से कट को बारीक सा हेम करेंगे। अब हम प्लेकेट को इस तरह से सिलाई करेंगे, यहाँ से पकड़ के पहले यहाँ से सिलाई करेंगे। अब हम यहाँ जहाँ हमने सिलाई ख़त्म की वहाँ तक हम कट लगाएंगे। अब हम इस ब्रैकेट को इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ से कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। व्यूज अब हम यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे और यहाँ भी कॉर्नर पे भी सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स हमने एक प्लेकेट को अटैच कर लिया है, अब हम दूसरी प्लेकेट को अटैच करेंगे। व्यूअर्स हमने एक प्लेकेट को अटैच कर लिया है, अब हम दूसरी प्लेकेट को अटैच करेंगे।